हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी कहते हैं और इसको हिंदी में मधुमेह के रोग के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में मौजूद जो शुगर या फिर ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हम इसे शुगर का नाम देते हैं कि हम कहते हैं इसमें डायबिटीज़ या शुगर बढ़ गई है। खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज को हमारे शरीर के शेल्स में पहुंचाने में हेल्प करता है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, काफ़ी हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो है ग्लूकोज को जो है हर कोशिका में ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का या उसको पहुंचाने का काम जो है इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाता है तो गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे इसका इफेक्ट हमारी आँखों पर, किडनी पे और हमारे नर्व्स पे भी पड़ सकता है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट जो होता है, हार्ट से रिलेटेड भी समस्याएं जो होती इसमें हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी शुगर की दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है HbA1c जो होता है टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपका शुगर लेवल इंक्रीज है या नहीं। जो H1A1c जो होता है वो शुगर को अच्छी तरह से हम नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं, ये पता करने के लिए किया जाता है। इसको 3 महीने के अंदर जो है करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, ये 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन का क्या महत्व होता है? मैंने कहा अभी इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी होती है वो जो क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नाम की एनर्जी जो होती है वो अंदर जाती है। ठीक है, अब हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है और ग्लूकोज का जो लेवल होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसको जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी को वो एनर्जी देता है। ठीक है, अब जो पेट में जाकर उसको जो है, जैसे हमने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में गया और वो एनर्जी लेवल में जो एनर्जी में जो है ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी में बदल जाता है और फिर हमारी बॉडी को ग्लूकोज देता है। अब वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ से, किस तरीके से पहुँचेगा? जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन जो होता है कोशिकाओं में उस ग्लूकोज को पहुँचाता है, जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ये काम तभी संभव हो पाता है जब पैंक्रियाज अग्नाशय जो है प्रॉपर तरीके से हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करेगा तब। ठीक है, अब अगर किसी भी कारण हमारी जो सेल्स में जो है ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, अगर इंसुलिन इस तरीके से वर्क नहीं करता है तो क्या होता है, वो जो ग्लूकोज होता है वो एक जगह वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें कलेक्ट होने लगता है और बंदे को, पेशेंट को जो है कमजोरी आने लगती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को कमजोरी आने लगती है और व्यक्ति को शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत। अब इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स में शुगर का एक टाइप 1 और टाइप 2 नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी, इसमें बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन जो है नहीं बन पाता है और पेशेंट को जो है अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसे हम इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा पैंक्रियाज या तो इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से सिक्रीशन नहीं कर रहा होता है या फिर सिक्रीशन हो रहा होता है मगर उसको जो है उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पा रहा होता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको शुगर हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और शुगर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब लेबर डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद जो है कई बार जो होता है वो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाती है, मगर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज से सफर करने के चांसेस काफी हद तक रहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, कहते हैं ना डायबिटीज जब होती है डायबिटिक पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुंह सूखता है बार बार, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इसलिए ज्यादा प्यास लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख कम लग लेती है, बार बार
यूरिन जाने की इच्छा होती है, और हाँ इतना भी होता है कभी कभी भूख ज्यादा भी लगती है पेशेंट में। शुगर के पेशेंट को ऐसा होता है कि कुछ खा लो कुछ शुरुआती दिनों में, उसके बाद धीरे धीरे एपेटाइट जो है डिक्रीज होने लगती है, पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, कम होने लगता है और बढ़ भी सकता है, इसमें दोनों चांसेस हो सकते हैं। अब कमजोरी आ जाती है पेशेंट को, नौजिया फीलिंग होती है, इचिंग हो जाती है स्किन में, इचिंग। हाँ ऐसा भी होता है अगर शुगर होने वाली होती है, शुगर हो चुकी होती है पेशेंट को, तो सबसे ज्यादा पेशेंट कहता है कि मेरे पूरे शरीर में खुजली जैसी हो रही है, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब बार बार मुंह सूखना हो जाता है, वॉमिटिंग जैसा होता है, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। अगर महिला को डायबिटीज की दिक्कत है, अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको एक बार शुगर जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भी यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जल्दी जल्दी मतलब यूरिन इन्फेक्शन होता है, और आंखों में अगर बैड इफेक्ट पड़ गया है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें, कैसे हम शुगर से बच सकते हैं, स्वस्थ आहार खाएं, जैसे करेला, जौ, गेहूं, इस तरह की हल्दी, लहसुन, ठीक है, सन सीड्स, ब्लूबेरी, ग्रीन टी लें, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनकी चाय बनाएं, इस टाइप से चीजें लें, तो इससे जो है आपकी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल रह सकती है, प्रिवेंट रह सकते हैं आपसे। व्यायाम करें, एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करें, प्रॉपर स्लीप लें, पर्याप्त नींद लें, अवॉइड करें स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो ना लें, अगर ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करें। आमतौर पर जो होता है 18.5 और 24.9 के बीच का जो BMI होता है वो होना चाहिए व्यक्ति का, तो वो स्वस्थ माना जाता है। बाकी तनाव से दूर रहें, टेंशन ना लें, तनाव से दूर रहें तो भी शुगर से प्रिवेंट अपने आप को बचाया जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज का कारण जो है टेंशन भी होता है। इसके कई कारण होते हैं, जेनेटिक कॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, अगर आपकी कोई बीमारी बिगड़ गई है तो उसकी वजह से, पैथोलॉजिकल अगर बॉडी में कोई चेंजेस हुए हैं तो उसकी वजह से शुगर हो सकती है, अगर हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस हुए हैं आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से शुगर हो सकती है, ठीक है। अगर आपके परिवार में किसी को पहले शुगर रह चुकी है तो आगे जो पीढ़ी आती है उसको शुगर होने के काफी चांसेस रहते हैं। ज्यादा तनाव, अगर आपका जो शेड्यूल है काफी तनाव से भरा हुआ है, टेंशन वाला है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपके मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है, तो उसकी वजह से उसका वो भी एक कॉज हो सकता है डायबिटीज का। तो इसलिए जब हम डायबिटिक पेशेंट का होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले केस हिस्ट्री जो पेशेंट की लेते हैं तो उसमें मेंटल जर्नल लिया जाता है, जिसमें ये जाना जाता है कि पेशेंट को कोई मानसिक ऐसा कोई तनाव तो नहीं रहा लंबे समय से शुगर होने से पहले, जिसकी वजह से उसको ये शुगर हुई है। शुगर ऑटोइम्यून डिजीज भी है, दूसरा हार्मोनल डिजीज भी है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी शुगर हो सकती है। अगर किसी का जॉन्डिस बिगड़ गया है, पीलिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियास में इससे बैड इफेक्ट पड़ता है और इंसुलिन प्रोड्यूस सही से होता है हार्मोन, तो उसकी वजह से ये उस कारण से भी शुगर होने के चांसेस पूरे रहते हैं। अगर कोई रॉन्ग मेडिकेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को शुगर हो सकती है। तो ये तो इसके कारण हो गए। अब इसमें क्या टेस्ट कराएंगे, मैंने कहा हीमोग्लोबिन HbA1c जो है टेस्ट कराते हैं, इसको हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो होता है इसमें ये पता चलता है कि RBC में कितना ग्लूकोज मौजूद है, इसीलिए हम इसे ग्लूको हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। 2 से 5 महीने के उसके अंदर ही शुगर इसका टेस्ट करते हैं और उससे ये पता चलता है 2 से 5 महीने में शुगर कितनी कंट्रोल हुई है, 3 या 5 या 2 महीने के अंदर इसको करा लिया जाता है। अगर HbA1c टेस्ट में ब्लड शुगर का लेवल 6.5% या उससे अधिक है तो फिर शुगर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए जो HbA1c जो टेस्ट है उसका जो लेवल है HbA1c का वो 6 से कम होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होता है तो शुगर आपको है, इस टाइप का डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। अब जो होता है कि इसमें और भी टेस्ट होते हैं, जैसे फास्टिंग टेस्ट होता है शुगर का, होता है पोस्ट पैरेंडियल PP टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो होता है, दूसरा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होते हैं इनसे पता करते हैं कि आपको शुगर है कि नहीं। अब एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, इसमें क्या होता है कि प्री डायबिटीज इसको टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो पहले हम उसको मीठा पिला देते हैं, ठीक है, कुछ मीठा पिला देते हैं, ग्लूकोज वाला ड्रिंक पीने के बाद उसमें जो है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि पेशेंट को कितना है। अगर 200 mg से ज्यादा अगर होता है तो फिर उससे
हम कहते हैं कि पेशेंट को शुगर है। होम्योपैथिक दवाइयों का इस पर बहुत अच्छा असर होता है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है जेनेटिक लेवल पे वर्क करती है, तो इसलिए डायबिटीज का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। अगर आपकी एज 70 से नीचे है, ठीक है, अगर आपकी एज 35, 47, 40, 50 ईयर तक अगर आपको शुगर का इलाज होम्योपैथी से लिया तो डेफिनेटली ठीक हो जाता है। और अगर 70 से ऊपर है या 70 ईयर के पेशेंट हो चुके हैं तो उनको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, होम्योपैथी से ठीक नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में फिर न्यू सेल्स का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। देखिए ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकते, जो साइंस में है जो टेक्नोलॉजी में है हम उसके अकॉर्डिंग ही उसका वर्क कर सकते हैं। अगर आपके 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, अगर आप 70 साल के हैं तो शुगर ठीक होना मुश्किल होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक, मगर ठीक इससे नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी में क्यों कोई भी न्यू सेल्स का जनरेशन नहीं होता है, ना ही ब्लड सेल्स ज्यादा बनती है, तो इसलिए हम उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं पैथोलॉजिकली, ठीक है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर 47, 40 या 50 ईयर तक का पेशेंट अगर है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेडिसिन होती है होम्योपैथी में जो कि हम डायबिटीज के टाइम पे देते हैं, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायनिया एल्वा, साइजेरियम जम्बोलिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्लम्बम मेटेलिकम अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, और वेरम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी है, वेरेटम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी है मेडिसिन, इसमें नाइट्रम सल्फ अच्छी है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ मेडिसिन है, लैक्टिकम एसिडिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में शुगर के लिए, बहुत सारी दवाइयां हैं। मगर मेरा हमेशा ये कहना होता है कि केस हिस्ट्री प्रॉपर आप सिम्टम लेके पेशेंट के जो इलाज करते हैं पेशेंट उसी दवाई से ठीक होता है, क्योंकि होम्योपैथी में एक ही सिंगल मेडिसिन जो होती है वो ऑल ओवर डिजीज को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करती है, क्योंकि शरीर में हर बीमारी एक दूसरे से जुड़ी होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो बीमारियां होती हैं, अगर उस वजह का इलाज कर दिया जाए तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप उसे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, कॉल फॉर मी ऐप पे कॉल करके उसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।